अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक हो? ठीक हो ना सब? तो जी, मैंने आज बनाई है वीडियो, बहुत मुश्किल से एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी, और ऐसा लग रहा है ना मैं बदल गया, वीडियो में भी लगेगा। तो 4-5 महीने बाद देखोगे तो जाहिर सी बातें बदलूँगा, लेकिन अब देखना वीडियो क्वालिटी और क्वान्टिटी और वॉइस क्वालिटी अच्छी हुई है तो मुझे बताना, और ख़त्म करके मुझे बताना वीडियो कि कैसी लगी। सही कमेंट करके जाना ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, कैसे खूबसूरत बादल हो रहा है जी। और ये मेट्रो मेट्रो हम लगाए हैं और ये बादल। हमने अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हम सफारी पार्क जाएं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के और ये बादल का सीन चेक कर सकें। हम आ चुके हैं, ये देखें कराची का पार्क। ये आप ना ऊँट, क्या नाम है इसका? हाथी। हाँ, हाथी। मैं तो बकरे ईद की वजह से इसको ऊँट बोल लूँ, सही मैं भूल गया। वो देखे लोग खड़े हैं उधर, ये आ गया हम लोग, शुक्र एंट्रा आ गए। में इतनी बारिश हुई कि ना सफारी पार्क वालों ने ये बोर्ड बाहर लगा दी कि ना कोई भी आसानी से ना ट्रेवल कर सके वहाँ से यहाँ तक का। ये आप देख सकते हैं, सफारी पार्क वालों ने कराची का ऐसा टाइट मजाक बनाया है, बोर्ड यहाँ पर रख दी कि ना कोई भी बाहर लेके चले जाए अपने घर, दोबारा पार्क कर दे, नहीं तो क्या मतलब है इधर रखने का, यही मतलब है ना। वो देख अंदर वो भी रखा है सेफ्टी सूट, झाड़ू भी लगी है, झाड़ू से ना आगे आगे करेंगे बोर्ड को। इसके पीछे नाइट्रो भी का भी हुआ ऑप्शन कि नाइट्रो लगा के फूम कराची है उसमें। माशाल्लाह यार, क्या बादल है, चेक करो। ओए एक बादल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा टाइट लग रहा ना, दिल कर रहा बस उसके अंदर जाके ना सो जाऊँ मैं, वहाँ पर जाके हलवा पूरी का नाश्ता करूँ और बस। वैसे आज संडे नहीं है तो उसके इतना अच्छा लग रहा है, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है। यहाँ पर हुई थी ईद की नमाज़, यहाँ पर हमने पढ़ी थी ईद की नमाज़, बकरा ईद की नमाज़। पता नहीं ये आप व्लॉग कब देखें, लेकिन जब भी देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। टाइट लग फजर के बाद यही मौसम होता है जो अच्छा लगता है। हाँ तो भाई, ये बच्चा बोल रहा है फजर के बाद बहुत अच्छा मौसम होता है ये वाला। भाई जो जो सोते रहते हैं रात में वो उठे हैं नमाज पढ़ते हैं फजर की, और फजर के बाद ना आप कोई भी सुनसान जगह निकल जाए जो आपको पता हो याद हो रास्ता, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है नेचर में। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है पीछे, यहाँ पर हम लोग बचपन में, बल्कि 2-3 साल पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं और मेरा दोस्त, और अब हम बड़े हो चुके हैं इसलिए अधूरे शौक रहेगा। हाँ, पहले सोचते थे यार बड़े हो जाएंगे ना तो हम लोग अपना शौक पूरा करेंगे, फिर हम जब बड़े हो गए तो अब सब बोलते हैं कि शौक तो बच्चे पूरा कर रहे हैं, शौक तो बच्चे पूरा करते हैं। फिर हमने बोला यार अब क्या करें, बड़े भी हो गए यार। वैसे मौसम कैसे टाइट लग रहा है ना, आ जाओ। बंदा तो है नहीं, लेकिन ये काली बिल्ली इधर बैठी है टिकट देने के लिए। हमने उसको बोला टिकट दे दो तो उसने हमें मुँह ही नहीं लगाया, चलो छोड़ो बगैर टिकट के चलते। ये हम आ चुके हैं पार्क में, सामने सीधा वॉकिंग। यह इतने अरसे बाद में देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ व्लॉग व्लॉग छोड़ूँ और इन्जॉय करूँ। सब अपने होश संभाल के रखें, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, और जैसे ही आप देखें ना बस सुभान अल्लाह कहना, सही है। 1, 2, 3 गो।
यार ये क्या है, क्या नेचर है यार, सुभान अल्लाह। ब्राउन डक, देखो ब्राउन डक की अपनी बात है और वाइट डक, ये थोड़ी सी ना वाइट डक की अपनी बात है, सही है, और डक्की भाई की अपनी बात है लेकिन ये सब की अपनी बात है, सही है। कैसी टाइट लग रही है यार, वो देखो, देखे यार क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। घर में क्यों बैठे हो सारे, निकल जाओ यार, आज ही निकल जाओ, सफारी पार्क आ जाओ सब, सुबह सुबह के टाइम से, ये शाम में नहीं आना, समझ रहे हो, सुबह सुबह हो। ये देखो यार माशाल्लाह, यार कुछ आयत तो पढ़ो मत सैम, कभी आइए अल्लाह, एकदम सही से الشمس والقمر بهسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقهر في الميزان فأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تفوزوا لا تفوزون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आया ना सुकून। सफारी पार्क वालों ने तो फुल प्रिपरेशन करी हुई है यार बारिशों की, देख सकते हैं उन्होंने बोर्ड भी इधर खड़ी करी हुई है। हाँ जी, स्टैंडिंग द बोट हियर, ओके गाइस, माशाल्लाह यार क्या सुभान अल्लाह यार, कैसे बयान करूं यार ये खूबसूरती। और ये सामने आपको वो दिखनी है, सुभान अल्लाह। यही देखो यार इनके, एक अच्छी सी बात बताऊं आपको, ये आज़ाद है, सही है, इन्होंने किसी ने इनको कैद नहीं करा हुआ, सुभान अल्लाह। ये देखो पानी भी इधर है, इनका घर भी इधर है, उड़ती भी खुद ब खुद है, रस्ता भी भटकती है लेकिन आती भी खुद ब खुद है, ये इनकी कितनी अच्छी बात है। देखो कैद नहीं है, एकदम खुली फिजा के अंदर है। मतलब खाना कौन देता है इनको? खाना भी अल्लाह देता है, पानी भी अल्लाह देता है, और पानी तो इतना देता है कि माशाल्लाह कमी नहीं होती, कम हो जाता तो बारिश हो जाती है, सुभान अल्लाह। ये बताओ ये बस किस किस को याद है, पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, बस दस का एक दाना, आ जाओ आ जाओ, और ये वाली किस किस को याद है बताओ जल्दी, कुछ याद आया बचपन की कहानियाँ? ये देखो यार वाओ यार, आपको सवाद जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप कराची आ जाओ, सफारी पार्क आ जाओ, खुद ब खुद लेक का पानी, दरिया आ रहा है इधर आपके पास, आपकी सोल को ऐसे टच करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इधर कराची में हो या कहाँ पर हो। यार मोहतसम खतरों के खिलाड़ी, ये अपनी मस्ती में अभी हमें ऐसा लग रहा है उसके अंदर, ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ है, या वैसे हमें रास्ता पता ही नहीं फिर भी हम लोग जा ही आ रहे हैं, यही तो मज़ा होता है, रास्ता नहीं पता होता फिर भी आप जाओ। हमें, हम इधर आ गए, हमें ना ये ग्रिल क्रॉस करनी है, और ना सबसे पहले हमें इस पर पाँव रखना है उस पर, फिर यहाँ से पत्थरों से इधर जाना फिर वहाँ जाना, सही, पहले मैं जा के देखता हूँ, फिर भाई की बारी, यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए, अब इसकी बारी, थोड़ा सा नीचे हो, मार दो जम मारने, खतरों के खिलाड़ी इधर आओ, कहाँ गए यार मोहतसिम, यहाँ से आने,
अजीब वो वहाँ पर चला गया, खतरों के खिलाड़ी बोल दिया, मैंने फ्री हो गया। यहाँ से इन्होंने ना रेड कारपेट बिछाया हमारे लिए। यहीं से आओ यार, यहीं कितना तंग करता है यार, खतरों के खिलाड़ी। कराची डूर हम लोग मस्तियाँ कर, आ जाओ सब छोड़ो। ये देखो यार तुम लोग, यार बच्चे लोग ये देखो यार, किस किस को याद है हम लोग बचपन में आते थे और ये डर के, इसको देख के डर ही आते थे। और फिर यहाँ से हम लोग चाट खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, ओए होए मज़े। और फिर इसमें बैठते थे। यही कैसा लग रहा डरावना, इतने दिन बाद देखा इसको। अस्सलाम वालेकुम शामिल भाई, क्या हाल है आपके यार? एक शॉर्ट आउट तो दे दो यार यूट्यूब चैनल पर, मुस्कुरा के आ रहा हूँ भाई। आपको बोलना है कि ना मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करो, सही है शाबी भाई? यही इतने प्यारे दिल करते हैं इसका ना गाल खींच लो। देखो ऐसा लग रहा है मैं उनको खींच रहा हूँ, ये हंस रहा है। यही पीछे से तो हट जाओ, आप तो हटो, आप तो हटो, हाँ सही है भाई। क्या पिक्चर आ रही, टाइट पिक्चर, स्माइल स्माइल हो गया। आ जाओ ये। यहाँ पर कोई मूवी बन सकती है जंगल वाली, यहाँ से डायनासोर्स आ रहा है, यहाँ से सांप बिच्छू आ रहा है। अल्लाह ना करे यार अचानक से कुछ आया निकल गया, कहाँ भागेंगे हम लोग। एकदम जंगल वाली वाइब्स आ रही है। इस पिंजरा देखो यार, सब छोड़ो पिंजरा देखो, इतना बड़ा है, इसके अंदर पता नहीं कौन रहता होगा। आप कौन से पिंजरे में रहते हो? बात सुनिए, इधर जानवर है लेकिन गौर करने की ज़रूरत है, इधर जानवर है लेकिन गौर करने की ज़रूरत। जाहिर सी बात है बारिश हो रही थी तो जानवर मर जाते उनको कहीं और। कहाँ है एलिगेटर? ओपे तेरे की, ओपे एलिगेटर देखा। शुक्र यहाँ पर कोई नहीं, अब मैं इसके पास जा रहा हूँ एलिगेटर के पास। ओबे नहीं यार देखा भाई, अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, सफारी पार्क का जो पहाड़ है। और ये पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, इतने सालों से मैं इस बच्चे को, मेरे अपने भाई को बोल रहा था कि हम लोग आएंगे पहाड़ पर चलेंगे। और अब ये देख लो मेरा सपना पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे देखो, पीछे सनराइज़ हो रहा है और हम लोग भी राइज हो रहे हैं, सन भी राइज हो रहा है हमारे साथ। देखते हैं कौन सबसे पहले राइज होता है पहाड़ के ऊपर। अल्लाह यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यार बहुत पसीना आ रहा है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। आप लोग ये बताओ हमने क्या करा होगा ऐसा कि हमें ऐसा पसीना आ रहा है, हालत ख़राब हो गई, बताओ कोई हिंट दो इनको। हम लोग ने क्या क्या होगा, हम लोग ने कुछ खेला। अच्छा, ऐसा अच्छा मैं जगह बता रहा हूँ, इन लोग को ये खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने करा क्या। ये जगह दिख रही है आपको, एक पिलर ये एक पिलर ये, तो बताओ हमने क्या करा होगा। और मेरी चप्पल वो पड़ी है, अब ऐसा बताओ क्या करा होगा कि ऊपर से नीचे या यहाँ पर दर्द हो बहुत तेज। बहुत दिनों बाद खेल रहे, वैसे अच्छा खेला मैंने बताओ। जी इसने भी बहुत अच्छा खेला, बाल खराब होने लगा दो तो मुझे। आपने क्यों खराब करी सेटिंग यार? खैर छोड़ो, लेकिन बहुत मजा आया इन लोगों के साथ। हम वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, इन लोगों ने बुला दिया, इनको लगा हम जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता हम लोग एक्टिंग कर रहे थे जॉगिंग की। तो फिर इन्होंने बुलाया, बोला कि जॉगिंग से अच्छा तो फुटबॉल है, हमारे साथ फुटबॉल खेलो। तो किसी को भी नहीं आती थी इतनी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, सही है। मैंने तो एक स्पिन वाला मारी थी ना गोल, एकदम वो कोने से मैंने निकाली और एकदम गोल हो गया, बहुत टाइट। और ये जो ये छोटा बच्चा दिख रहा है, ये मेरा भाई,
इसने भी क्या फुटबॉल खेली यार। घर वालों को चाहिए कि ना इनकी मदद करें, इसको भी फुटबॉल एकेडमी में डालें। ओके यार, मैं इतना मोटा हो गया था कि ना पैंट में ना, पहले मैं बेल्ट डालता था, मेरे बगैर बेल्ट के पैंट पे पैंट पहनी थी। अब इधर आया फुटबॉल मैंने खेला, पैंट ही लूज़ हो गई। हाँ पैंट इतनी लूज हो गई कि ना उतर ही बार बार ऊपर करना पड़ा, गिर गए। एक दो इंच तो कम हो गया इसलिए सबसे, जो मोटे मोटे लोग हैं सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग फुटबॉल खेलें और पतले होए। जी सब छोड़ो, व्यू देखो। ऐसा हुआ जब भी मैं सफारी पार्क आता हूँ ना, पहाड़ चढ़ते चढ़ते ना हालत बुरी हो जाती, फिर वापसी जाना पड़ता है क्योंकि बाहर दुकान है इतनी दूर, फिर वहाँ पर जाके कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती है। ये देखें अभी भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अभी मैंने सोचा कि, बल्कि मेरे कज़न ने बोला वहाँ पर चलता है, घर दिखा दे, घरों का नज़ारा, जंगलात का नज़ारा तो आपको दिखा दिया ना। ऐसे वो देखो घोड़े बहुत है सेम, वो देखो सुभान अल्लाह। अभी गिर नहीं जाना, आराम से भाई आराम से। अबे तेरे की माशाल्लाह यार, मैं पहाड़ के नीचे हम यार अब तो ये देखते आ रहे थे हमारा घर इसमें से कौन सा है, सही है, प्लॉट की बुकिंग करने आ रहे थे और हमने ये देखा। यार चले इसके नीचे चले यार, लेकिन हमें गिरना पड़ेगा नीचे। जाओ यार, यहाँ से कोई रास्ता भी तो नहीं है यार। सुबहान अल्लाह यार, मेरे पास ट्राईपॉड होता ना, मैं यूं करके रख देता इसको, मोबाइल को। यार मेरे पास एक पैराशूट भी होना चाहिए था, यहाँ से मैं छलांग लगाता वो डायरेक्ट घोड़े के ऊपर लैंडिंग करता मैं, फिर घोड़ा लेके भागने लग जाता। अब घोड़े की रस्सी कौन डालता? अबे बिना रस्सी के यार, माशाल्लाह यार, मौत से यार। अभी आप लोग को एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ये कैप नज़र आ रहा है, अब मैं फेंकूँगा उस घोड़े के ऊपर, जाएगा या नहीं जाएगा देखते हैं। पहले फोकस कर ले, 1 2 3 नहीं है। यहीं पर ही चला गया, अब आप देख सकते हो कितना दूर है यार, माशाल्लाह यार। वो देखो मम्मी डैडी लोग आ रहे हैं। मतलब क्या, अम्मा बच्चा आ रहा। लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के कहाँ निकल गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारे घर में मेहमान आने वाले थे तो मैं ना सुबह सुबह कपड़े चेंज कर रहे थे, सही है, और मैं निकल गया पार्क पे, और ये सारे कपड़े मेरे हो गए पसीना वाले। अब पता नहीं, मैं मेहमान आएंगे तो पता नहीं क्या पहनूंगा मैं, सारे गले मिलेंगे, बदबू सूंघ के मर जाएंगे वो लोग। यार सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी, ऊपर का मौसम चेक करो, सब छोड़ो मेरी बात है, ऊपर का मौसम। हमें एक और जगह बैठना है यार, वहाँ पर कुर्सी में। एक खासियत है, आपने इसके ऊपर खड़े हो और आपके पाँव खुद ब खुद नीचे की तरफ जा रहे होंगे, ये देख ले, मैं नहीं जा रहा, बस मैं पाँव उठा रहा हूँ ताकि ना मैं गिरूँ ना। ये देखे खुद ब खुद भाग रहे हैं, स्पीड तेज़ होती आ रही है। वो देखो, उसको देखो, काज कहाँ चढ़ो यार, मौत से। आप लोग का भी दिल कर रहा है ना ऊपर चढ़ने का? अबे वो क्या है, मौत से डॉग भी आ गया ऊपर,
चलो आ जाओ, मैं आप लोग को ऊपर लेके चलता हूँ। ख्वाहिश यहाँ पर सीट पर बैठते ही, और इंशाल्लाह ताला भी मैं बैठूँगा और फिर नीचे का नज़ारा देखेंगे। ये पहाड़ों के बीचों बीच सीट है, एकदम हो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहाड़ में बैठे हुए, सीटें हिल भी रही हैं, और नीचे देखो ऐसे डॉग ऐसे लग रहे हैं कि ना भेड़िया हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग कोई जंगल बुक में आए हुए। या ये रैपर तो नहीं फेंका करो, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। खैर छोड़ो, जंगल बुक इन्जॉय करो। मैंने अपने मोबाइल से सारी ऐप्स डिलीट कर दिए जितने भी डाउनलोड थे, यूट्यूब इंस्टाग्राम सारी चीज़ें, और जितने भी मैंने पोस्ट भी में डाउनलोड करी थी सब डिलीट कर दिए। सिर्फ इसीलिए कि मैं आपको ये सब दिखा सकूँ, अपने मोबाइल में ये खूबसूरत नज़ारा कैप्चर कर सकूँ। बहुत मसला है यार ज़िंदगी, लेकिन यार ये नेचर के ऊपर कुछ भी नहीं है, नमाज के ऊपर भी कुछ नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला का नेचर खूबसूरत सा आपको दिखाना हो तो मेरा जिम्मे है ना। हम यहाँ से ऊपर आए थे ना, आपको याद है, और सब हमें पागलों की तरह से देख रहे थे, इधर आओ यार मोहतसिम। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, सब हमें पागलों की तरह से देख रहे थे क्योंकि ये जो लगी हुई है ना, ये सीढ़ियाँ हैं, हाँ जी, इसके नीचे उतरते हैं इससे, और हम लोग वहाँ से ऊपर आ रहे तो देखेंगे नहीं कि देखें जब नीचे उतरते हैं तो क्या बोलते हैं, सुभान अल्लाह सुभान, और हाँ आराम से बोलते हैं ये नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऊपर चढ़ता है तो क्या बोलते हैं अल्लाह बोलते जी। अच्छा तो बच्चों आपने एक अच्छी चीज़ सीखी मेरे वीडियो में, ओके भूलना नहीं सुभान अल्लाह सुभान। यार कहाँ गए हम लोग, सीढ़ियाँ किधर है या वो रही सीढ़ियाँ, खैर यहीं से उतर जाओ, इंसान हो के क्या हो। इस जगह से जब भी नीचे उतरे ना तो कोशिश करें कि बस भागे रुके नहीं, वरना तो आप गए। अंगूठा मोड़ा ना, लेकिन मुझे आपको देख के ना मोटिवेशन आई, वरना मैं भी ना उल्ट आराम आराम से उतरता। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी, अगर लगी है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपनी मर्ज़ी से जो भी करना है सही है। और यार कमेंट जब तुम करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी है वो एडिट करके डालनी है, यार मैं ऐसी उल्टी सीधी बनाता हूँ वो भी मैं डाल नहीं पाता, लेकिन इस दफ़ा मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यार ये अल्लाह ताला का नेचर देखो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। यार तुम बस आँखें बंद करो, चुप करके ना आवाज़ें सुनो तुम जगहों की, भाई बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी 15% हो गई है बैटरी और आप घर जाके चार्ज पर लगाओ। जी हाँ आ गया है तो आ गया, ऐसा मतलब वीडियो बंद करो, ओके अल्लाह हाफिज़, ये करना ज़रूरी है। हाँ।